धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। मध्य प्रदेश में द केरला का सच, सौरभ से सलीम बनने की कहानी, तक गैर मुस्लिम लड़कियां टारगेट, एचयूटी कनेक्शन पर एटीएस का बड़ा खुलासा। द केरल फिल्म के बाद से ही धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक कई मामलों के खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश एटीएस ने भी एक बड़ा खुलासा करते हुए धर्मांतरण करने वाले आतंकी संगठन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिसके तार हिजब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए लोग अलग अलग जगह पर लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम किया करते थे। पुलिस ने ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश, हैदराबाद सहित अन्य इलाकों से की है। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की एटीएस ने जिन 5 लोगों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, उनकी जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जो मध्य प्रदेश के जंगलों में हथियारों की ट्रेनिंग देता था, उसने 60 साल पहले ही अपना धर्म बदला है, जिसका नाम प्रोफेसर सलीम है। दरअसल 7 साल पहले सौरभ राज वैद्य नाम के एक शख्स ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल किया था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि धर्म बदलने के बाद से ही सलीम की मानसिकता भी इतनी बदलने लगी और इस कदर मानसिकता बदली कि उसे गैर मुसलमान सभी काफिर नजर आने लगे। पुलिस ने बताया कि सौरभ राज वैद्य नाम का शख्स, जो कि अब प्रोफेसर सलीम बन चुका है, जिहाद के रास्ते पर चल पड़ा था और कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुका है। आपको बता दें कि प्रोफेसर सलीम एक कॉलेज में प्राध्यापक है और भोपाल के बैरसिया इलाके का रहने वाला है। इस्लाम में कन्वर्ट होते ही सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का धर्म बदलवाया, उसे मुसलमान बनाकर वह भोपाल से हैदराबाद जाकर रहने लगा। प्रोफेसर सलीम कन्वर्जन के बाद हिजब उत तहरीर यानी कि एचयूटी संगठन से जुड़ा। भोपाल का होने के कारण उसे मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्म बदलने वाला सलीम 12वीं क्लास तक दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की शाखाओं में जाता था, जिसके बाद पीएचडी करने के बाद भोपाल के कॉलेज में प्रोफेसर बन गया और वहीं से कॉलेज के प्रोफेसर कमाल ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया। हाल ये होने लगे कि वो जाकिर नाइक के वीडियो तक देखने लगा। यही नहीं, उससे मिलने मुंबई तक पहुंचा और मुंबई में ही उसने अपना नाम बदलकर सौरभ से सलीम रख लिया। हालांकि मध्य प्रदेश एटीएस की कार्रवाई को सीएम शिवराज ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार इस तरीके के नेटवर्क बनाने का काम किया गया, लेकिन हमने इस तरह के सभी आतंकी नेटवर्कों को जड़ से उखाड़ फेंका। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया, नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए, लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से
10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर है, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिजब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं, जो कट्टरपंथी संगठन है। ये लोग पूछताछ में पता चला कि रायसेन से सटे जंगल में ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, समाज में घुलने मिलने के लिए इनमें से कोई ट्रेनर होता था, कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन था, कोई दर्जी, कोई ऑटो ड्राइवर इत्यादि का काम कर रहे थे। और गिरफ्तार सदस्यों में से एक भोपाल के कोहफिजा में एडू फोरम ट्यूटोरियल्स के नाम से कोचिंग सेंटर भी चला रहा था। ये समाज की भोली भाली बेटियों को फंसा कर शादी करना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना और धर्म परिवर्तन जैसे गैरकानूनी काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश की धरती पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी पूछताछ जारी है, इनको जड़ से नेस्तनाबूद करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सख्त लहजे में कहा कि जिहादी कॉकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह काम कर रही है और इसी तरीके से ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों का खात्मा करेगी। यही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी जोरदार हमला बोला। जिहादी कॉकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें, JMB जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 22 लोगों को ATS ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच, ये सब पकड़े गए थे। और तीसरा ये HUT हिजुर तहरीर वाले लोग, 16 अभियुक्तों को पकड़ा है, 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में, ये पकड़े गए। जहाँ तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है, एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे, हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके फंसा कर शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। ओवैसी जी के कॉलेज में वो पढ़ाता था और इससे बाकी सबका आपको नेटवर्क और कनेक्शन भी समझ में आता है। हम इस तरह के जितने कनेक्शन पूरे देश के अंदर किस किस के कहां कहां पर हैं, इन सबकी जांच करवा रहे हैं और धीरे धीरे प्याज के परतों की तरह ये सारी परतें खुलती चली जाएंगी और आपके सामने आता चला जाएगा। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर लंबे समय से चल रहे इस जिहादी का अंत कब होगा और कौन सी ऐसी जिहादी सोच की ताकत है जो इन आतंकियों के पीछे है, जो देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।